कुरकुरा खाएगा? मुश्किल खाएगा कुरकुरा। वाह यार, कुरकुरा तो खा रहा है बड़ा तेज यार, ये तो लड़की से भी तेज है। नो वी आर गोइंग टू शॉप, तो हम कुछ लेना चाहेंगे रास्ते के लिए और प्रसाद भी साथ ले जाएंगे ज़रूर। दो कन्ने पैक जी है ना? कितने कितने वाले कन्ने सर? कर लो आप बीस वाले, दस दस वाले करो, नहीं तो। हाँ जी हाँ जी। एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। तो आज हम कहीं पे आए हैं फिर से उसी जगह पे, तो आज हम आपको दिखाएंगे पहला जो कुछ टाइम पहले मैंने कुछ एक ब्लॉग डाला था तो उसको भी दिखाऊंगा। उसमें हमने नाइट स्टे किया था, अभी तक शायद वो झोपड़ी वहाँ पे रही होगी जो हमने बनाई थी, दिखाएंगे आपको। Right now we are on the way and seeing helicopter at sky, very beautiful view. People are working their own orchard. Right now apple season coming soon, July month and August. Very beautiful greenery, you can see Himalayan greenery. Wow, beautiful flower. Ekdam ekant mein हिमाचल की वादियों में इतना प्यारा फूल आप देख सकते हैं, बिल्कुल गुलाबी पिंक कलर का है। तो हम आज जा रहे हैं घर से थोड़ा दूर और वादियों में, खूबसूरत वादियों में। तो कहते हैं कि शहरों में क्या रखा है, पहाड़ों में बहुत कुछ रखा है। तो ब्लॉग से जुड़े रहना दोस्तों, थैंक। इसकी बनावट देख सकते हैं, बिल्कुल एक नाग की तरह है। नाग पुष्प बहुत ही रेयर चीज़ है और अब तो लॉन्ग टाइम हम इसको देख रहे हैं। बहुत इस टाइम ये उगता है हिमालय के पहाड़ों में, तो बहुत खूबसूरत है आप देख सकते हैं। हमारे पास कुछ नहीं, आपको श्योर ही ना? ये प्यारा सा कुत्ता भी रास्ते में मिला यहाँ, बहुत ही प्यारा है। सॉरी ना, आपके लिए कुछ बचा नहीं है हमारे पास, हम लाए नहीं थे साथ। कुरकुरा खाएगा? मुश्किल खाएगा कुरकुरा। वाह यार, कुरकुरा तो खा रहा है बड़ा तेज यार, ये तो लड़की से भी तेज है यार भाई। कुरकुरे बहुत पसंद है कुत्तों को है। ले यार खुश कर और देना, कोई बात नहीं, लास्ट कुरकुरा बचाए। हमारे पास भी कुछ नहीं है, क्या करें क्या करें दोस्तों, रास्ते में कोई ना कोई मिल ही जाता है, कोई बेचारा डॉगी हमको मिल ही गया। खाले खाले प्यार से खाले, आराम से खाले। नीचे घर सामने दिख रहा है, वहीं से ये डॉगी हमारे भी छाया, हमने सोचा कहीं खतरनाक डॉगी तो नहीं है। बेचारा बहुत चीप है, प्यार करने वाला डॉगी है। तो दोस्तों ये वो जगह है, जब मार्च का महीना था पिछली बार तो हमने नाइट स्टे किया था इसी जंगल में। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कैंप था किस तरह से अभी तक रहा है, और थोड़ी सी कंडीशन इसकी ख़राब हो गई आप देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने घास डाला था वो ढह चुका है, थोड़े बहुत लक्कड़ भी ढह चुके हैं। तो हम देखने आए थे तो बहुत डाउन हो चुका है, शायद कोई जंगली जानवर घुसा हुआ इसमें, खतरा यही रहता है। तो आज जो हम जा रहे हैं श्राइकोटी मंदिर, जो कि बहुत फेमस है। फिर से एक बार आफ्टर 2-3 मंथ के बाद जा रहे हैं। तो आई होप आज का व्लॉग अच्छा हो, आपको अच्छा लगे। और अब थोड़ा ही रह गया सफ़र हमारा, अभी टाइम हो चुका है 2, तो 3 बजे पहुंच ही जाएंगे दोस्तों।
ये सामने पड़ा कूल गांव बहुत ही खूबसूरत, एकदम पहाड़ों के बीच में ये गांव बसा है। और एप्पल की यहाँ पे बहुत बनवा रहे, मुख्य फसल यहाँ की एप्पल है। वहाँ सामने उस पहाड़ी पे हमारा श्रीखंडू ट्रैक पड़ता है, मंदिर पड़ता है। तो पिछली बार हम वहाँ गए थे तो उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा ट्रैक रहा था ये पिछली बार। बिल्कुल आमने सामने है शाईकोटी मंदिर श्रीखंडू। तो हम पहुंच चुके हैं शाईकोटी टेंपल, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ एक मान्यता है कि यहाँ पे पति पत्नी एक साथ दर्शन नहीं कर सकते हैं, उनको अलग अलग दर्शन करना पड़ेगा। और बहुत ही ऊंचाई पे है, बहुत ही ब्यूटीफुल है और चारों तरफ पहाड़ है। दोस्तों दूर दूर से लोग यहाँ पे माता के दर पे आते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं शाईकोटी। तो इस बार भी वही हाल है, टेंपल फ़िलहाल बंद है। आपको दर्शन करने होंगे तो बाहर से कर सकते हैं आप दर्शन। तो यहाँ के थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हल्की हल्की हवा चली है। तो आपने कभी टेंपल आना होगा तो मेरे ख्याल से आप 1 तारीख के बाद आ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद टेंपल ओपन रहेगा। तो इस बार भी हमारी किस्मत थोड़ी ख़राब है, इस बार भी माता के दर्शन नहीं कर पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 1 तारीख के बाद शायद ओपन हो रहा है, ऐसे सुनने में मिला। तो हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे माता का मंदिर है। तो आजकल बंद है, तो मैंने सुना था 1 तारीख बाद ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप अच्छे से आ सकते हो, माता के दर्शन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ब्लॉग यही था। थैंक यू सो मच।